ओके, तो गाइस अगर आप भी फेसबुक के पेज के ऊपर काम कर रहे हो, आपका पेज भी अच्छा खासा मोनेटाइज है या नहीं भी मोनेटाइज है, दोनों लोगों के लिए यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है वीडियो समझना, क्योंकि भैया अभी क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर तीन तरीके के लोग हैं, एक वो जो अभी सोच रहे हैं पेज बनाना है, एक वो जो ऑलरेडी पेज पे काम कर रहे हैं बट चैनल उनका पेज मोनेटाइज नहीं है, और एक वो तीसरा बंदा जिनका चैनल भी मोनेटाइज है लेकिन फिर भी समस्या आ जाती है। अब आप समझना तीनों केस में क्या होने वाला है। गाइस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ LOC की, जी हाँ बिल्कुल, लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का इशू। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का इशू आता क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का, और साथ ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहता है कि आखिर में लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का अगर इशू आ भी गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम करेंगे ताकि उसको विदिन फ्यू डेज या कुछ समय के दौरान ही इसको हम सॉल्व कर सकें। और ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है भैया मास्टर जी को, जो सेवेंजर्स यूट्यूब चैनल है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर सजेशन, कि आपने बताया कि भैया आप ये चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को इससे अवेयर होंगे और साथ ही उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो गाइस ये स्पेशली ये डेडिकेटेड है मास्टर जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ये वीडियो बनाओ, थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप नहीं जानते सेवेंजर्स कौन है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करो यार, जानते होंगे उनके ऑलमोस्ट 7 point something million सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत बड़ी टीम है इनकी, बहुत बड़ी टीम। तो अब यहाँ पे बात करें आगे भैया कि आखिर में अगर मांग किसी दिखे, सबसे पहले हम उस बंदे की बात करते हैं जिसका अभी पेज उसने क्रिएट नहीं किया है। तो देखो भाई, आप अगर आपने पेज क्रिएट नहीं किया है, आप करने वाले हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा बंदा वो जो काम कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम ऐसे इस चीज़ से कैसे बचे, और तीसरे वो जिन्होंने मोनेटाइज भी किया हुआ है लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि कुछ टाइम बाद आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा, यानी जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी अर्निंग है, वो हर एक चीज़ पूरी स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस देखो, अभी सबसे पहली चीज़ कि जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का जो इशू आता है वो आता क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं कि इसके कई फैक्टर्स हैं, कई चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर आपका लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का इशू आ जाता है। अब इसमें सबसे पहला केस तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल भैया, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना, मे भी शायद उसके आप ये गलतियाँ कर भी रहे हो। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर भी एक आता है आपका, सबसे मेन चीज़ वो म्यूज़िक है। म्यूजिक का मतलब जैसे मान लो, जैसे मैं पर्सनली हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि भाई जो यूट्यूब पर वीडियो डाल दो, सेम एज इट इज वीडियो उठा के आप अपना फेसबुक के ऊपर डाल दो, बट हो सकता है कि जो आपने वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किए हैं, जो भी आपने क्लिप्स इस्तेमाल किए रखे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा जो आपने थर्ड पार्टी से लिया हुआ है, वो आप फेसबुक के ऊपर डालें तो डेफिनेटली इशू आना है, क्योंकि भैया कभी भी ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों आपस में कॉम्पिटिटर, तो कभी भी वो अलाउड नहीं करेंगे कि भैया वहाँ का म्यूजिक या किसी थर्ड पार्टी का म्यूजिक मैं अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने पेज के लिए इन सब चीज़ों के लिए अलाउ करूँ, पहला रीज़न। दूसरा, आप ना ट्राई ये कीजिए कि भैया आप जो ना क्लिप्स होती हैं, कुछ ना पॉपुलर क्लिप्स होती हैं, तो जनरली क्या करते हैं वो क्लिप्स यूज़ करते हैं, 1 second की 2 second की 4 second की 10 second की, और बंदे बोलते हैं सर क्या क्लिप यूज़ करने पे प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम होता है, आप कभी भी क्लिप इस्तेमाल मत करें, चाहे वो 10 second का ही क्लिप क्यों ना हो, आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर तीन, तीसरा ये भी है कि ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी मान लो किसी अदर पेज का कोई वीडियो है, छोटा वीडियो है, उनका खुद का वीडियो है, और उन्होंने क्या किया इस वीडियो के अंदर यहाँ पे लाके इस वाले पेज के ऊपर अपलोड कर दिया, यानी कि वहाँ पे तो है और यहाँ भी लाके अपलोड कर दिया, तो भैया इस केस में भी आपका ये केस बन सकता है। और सबसे मेजर जो चीज़ देखी गई है, सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, वो है भैया यहाँ पर आपका शेयरिंग। लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल से अपने वीडियोस को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं, मल्टीपल पेजेस के ऊपर शेयर करते हैं, और बहुत जगह या साथ ही साथ अपने प्रोफाइल पर भी शेयर करते हैं, यानी कि वीडियो अपलोड किया उसको डायरेक्ट ले भैया धड़ाधड़ उसको शेयर स्टार्ट कर देते हैं, कभी भी नहीं करना है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप इतनी सारी चीज़ों से समझिए कि आपको ये सारे टास्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करें यहाँ पर कि आखिर इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो रिजॉल्व करने के गाइस बहुत सिंपल और बहुत सीधी सी चीज़ें हैं। आपको देखिए क्या करना है, रेगुलर कंटिन्यूटी के अंदर काम करना है पहली बात, यानी ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का इशू आ गया तो आप उसको ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके जो क्लिप है, जो भी आपने अगर मान लो कहीं से भी कॉपी किया, कुछ भी किया, तो आप उसको हटाइए,
क्योंकि आपके पास और कोई समाधान नहीं है, राइट। नंबर तीन, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो म्यूजिक्स वगैरह जो मैंने यानी ये समझिए जो मैंने पहले वाले केस में बताया है, वो सारी चीज़ों को आपको हटा देना है और इन फ्यूचर आपको कभी भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। और एक सबसे मेन चीज़ आप ट्राई कीजिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो आप जो है अपने पेज के ऊपर लाइव भी आएँ, एक बार, दो बार, चार बार, जितना भी पॉसिबल हो सके लाइव भी आएँ। अब ये सारी वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकाल के आपके सामने दूँ तो ये एक सबसे सिंपल सी चीज़ है कि आपका लिमिटेड वीडियो कंटेंट का इशू आफ्टर मोनेटाइजेशन भी आ सकता है। यानी ये देखो सारा का सारा तो ये तीनों बंदों के लिए फॉलो करता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो बनाने वाले हैं पेज, जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मोनेटाइज हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अगर तो पेज मोनेटाइज है, राइट, और बहुत ध्यान दीजिए जो सारा अर्निंग है ना, जो भी मोनेटाइजेशन जो कुछ भी हो रखा सब कुछ बंद हो जाएगा, हर एक चीज़ स्टॉप हो जाएगी, पैसे कमाई सब स्टॉप हो जाएगा। देखिए अगर मान लो कि आपने एक बार, फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक बार अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, आपके पास में 10, 20, 50 वीडियोज है जिनको आपने डिलीट किया था, आफ्टर दैट आप क्या करोगे कि आप सोचोगे चलो एक नया कॉन्टेंट है और एक ओल्ड कॉन्टेंट है, दोनों को मिक्स कर दिया। मान लो नया वाला कॉन्टेंट 3 मिनट का है, ओल्ड वाला कंटेंट मान लो 6 मिनट का है या मान लो 4 मिनट का, तो 4 मिनट वो 3 मिनट ही दोनों को आपने कंबाइन किया और दोनों कंबाइन करने के बाद आपने एक नया वीडियो बनाया जिसका टाइम ड्यूरेशन हो गया 7 मिनट का। अब वो आपने सोचा चलो ये तो फ्रेश कंटेंट है क्योंकि भैया नया भी आ गया पुराना भी आ गया, लेकिन शायद आप इस बात को भूल रहे कि वो पब्लिक हो चुका है कभी ना कभी आपको, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो ये फेसबुक की जो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है ये आपके चीज़ों को ट्रैक करती है, डिटेक्ट करती है सारी चीज़ों को, कैसे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कैसे छोटी सी क्लिप्स डालते भी पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक आईडी जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से भैया। और हाँ एक और चीज़ है, अगर आपको करना भी है इनकेस, मान लीजिए अगर आपको करना भी, क्योंकि आपके माइंड में जरूरी क्वेश्चन आ रहा होगा तो भैया वो क्लिप्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं लोग जो है म्यूजिक्स वगैरह की या सॉरी मूवी वगैरह की या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, तो गाइस देखो वो ना करेक्शंस करते हैं, उसका स्पीड अप कर दिया, कलर करेक्शन कर दिया, फ्रेम रेट चेंज कर दिया, फ्रेम का साइज चेंज कर दिया, तो इस तरीके से ना मॉडिफाई कर देते हैं जिसकी वजह से फेसबुक का जो टूल है जो उसका इसको कैच करने का जो टूल है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम से वो बच जाते हैं। बट मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप ऐसी गलती करें ही ना जिसकी वजह से आपको ये सारा चीज़ झेलना पड़े, तो आपको कभी भी ऐसी के ऊपर काम नहीं करना है कि ओल्ड वीडियो ले लिया नई वीडियो ले लिया दोनों कंबाइन कर दिया और फिर उसके बाद में आप जो है अपने चैनल के ऊपर सोचो अर्निंग कर लो, तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप पैसे कमाओगे लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं। जैसे फेसबुक की टीम की नज़र पड़ेगी आफ्टर दैट आपका जो प्रॉब्लम फिर तो वही केस आ जाएगा LOC का यानी लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का। तो इसलिए आप ट्राई करें कि जेन्युइन प्रॉपर वे में काम करें, ओरिजिनल वे में काम करें और यूनिक और अच्छे कंटेंट बनाइए ताकि आपका जो पेज है हमेशा जो आपका मोनेटाइज रहे और रेवेन्यू जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस ये पूरी वीडियो है भैया लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, बाकी फिर भी कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन नोटिफिकेशन के ऊपर, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आईडी है techrajman एंड यू कैन आल्सो विजिट ऑन माय ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com। अगर आपको कंसल्टेंट चाहिए, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय वेबसाइट, वहाँ पर जाइए उधर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही और एक लास्ट एक ही बात बोलूँगा, LOC की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, मोस्टली आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें कि अच्छा भैया गेमिंग कैटेगरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बहुत सारा, तो बहुत सारे तरीके इसको रिजॉल्व करने के। तो गाइस आई होप कि इस वीडियो से आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा होगा, डाउट है बता दें आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। और एक सबसे मेन बात कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको वहाँ पे फेसबुक का डायरेक्ट आपको वहाँ पे चैट मैसेंजर मिलेगा जहाँ से आप मुझे 1-to-1 मुझसे आप चैट कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपने चैट किया मैसेज ड्रॉप किया और आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि मे भी हो सकता है उस टाइम पर मैं अपने किसी अदर वर्क में बिजी हूँ या मीटिंग में बिजी हूँ, एक सब्जेक्ट कहीं पर भी वो टाइम मेरा बिजी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। डेफिनेटली मैं बहुत फास्ट और टाइमली रिप्लाई करता हूँ, बाकी आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छा अपनी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करने का। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट
और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो इसी तरीके के साथ और इस बात का ध्यान रखा, आपको कोई भी बाहर की म्यूजिक इस्तेमाल मत करना। बस बाय एंड टेक केयर।